पूर्णिमा का आयोजन होगा, माँ गुरु मंत्र दिया जाएगा, माँ गुरु दीक्षा दी जाएगी। है कि गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लियो और नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ। भाई पृथ्वी पर आए हो तो गुरु मंत्र लेना जरूरी है, बिना गुरु मंत्र के। और गुरु भी कैसा होना चाहिए, ज्ञानवर्धक गुरु कैसा होना चाहिए? महाराज काले भुजंगे सांप की तरह सामने आ जाए तो लगे कि भय था। गुरु होना चाहिए, पर गुरु कैसा? एक आज के समय में गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लियो। गुरु मंत्र मिलेगा, गुरु मंत्र मिलेगा, वहां गुरु मंत्र मिलेगा, वहां हमारा जी वहां बैठेंगे, वहां गुरु दीक्षा देंगे। गुरु पूर्णिमा का आयोजन होगा, वहां गुरु मंत्र दिया जाएगा, वहां गुरु दीक्षा दी जाएगी। है कि गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लियो और नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को देव। आज के गुरु उसमें क्यों हो गए कि आप स्वर्ग जा रहे हो कि नरक जा रहे हो, गुरु को कोई मतलब नहीं है। आप तो बस गुरु मंत्र ले लो, लिफाफा दे दो और गुरु पूर्णिमा पे आना, लिफाफा दे के चले जाना। पर आप भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, कि शंकर का भजन कर रहे हो, कि स्मरण कर रहे हो, गुरु को कोई मतलब नहीं। केवल उन्हें कान फूंक दिया, गुरु मंत्र दे दिया। पर आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो गुरु से मंत्र लेकर आ गए, उस दिन से आज तक माला जपी ना जपी, गुरु मंत्र लिया याद रिया नी रिया, गुरु मंत्र का स्मरण किया नहीं किया, कभी मिले नहीं मिले कोई ना, बस गुरु मंत्र लेना है, होड़ लगी है लेना। अरे पानी पियो छान और गुरु करो जान। कहते हैं 50 बार विचार करना कि ये तुम्हारे लायक है कि नहीं है, ये तुम्हें साध सकता है, तार सकता है, नहीं तार सकता, तब गुरु मंत्र लो। और मंत्र भी वो जो मंत्र सिद्धता का भाव प्रतिबिंब करे। केवल ठाट बाट देख लिए, खूब बड़ा बड़ा आश्रम देख लिया, खूब उनके 2-4 चेला उन देख लिए, ने सब एक से बढ़कर एक देख लिए, तो मन में आ गया बस ऐसा ही गुरु बनाना है भगवान। ऊंची दुकान, हमारी अम्मा कहती है ऊंची दुकान फीके पकवान। ले लिया मैं, भीड़ लगी है गुरु मंत्र ले। अरे भैया गुरु मंत्र, पार्वती के भी गुरु थे, शंकर के भी गुरु थे, भगवान कृष्ण के भी गुरु थे संदीपनी बाबा, मेरे राम के भी गुरु थे वशिष्ठ, दत्त के भी गुरु थे। कौन है जिसका गुरु नहीं? गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन संचय ना मिले, गुरु बिन भक्ति ना मिले, गुरु बिन मुक्ति ना मिले, गुरु बिन कहां पहुंचे। और विचार करना, 50 बार विचार करना है। एक बार काशी कथा करने गए तो कहीं कथा करने गए थे, काशी के आगे सीहोरा गांव यूपी में, शायद दुबे परिवार या पांडे परिवार कथा करवाया था, इंदौर में उनकी बेटी थी और वो लेकर गई कथा करवा। अब वहां एक अम्मा आ गई, लगभग 81 साल की थी, कहे गुरु जी हमने कहा बोलो हमें गुरु मंत्र लेना है। हमने कहा क्यों तुमने अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया? लिया था तो फिर हम जहाँ के हैं ना, हमने भाई गांव में गुरु मंत्र लिया, फिर हमारी शादी हो गई तो हम दूसरी बार ब्याह के जब गांव गए तो हमने कहा गुरु जी से मिलिया है, गुरु जी से मिलने गए तो हमें मालूम पड़ा कि गुरु जी तो निपट गए। चल फिर गुरु मंत्र तो ले लिया ना तुमने, तो हमारा भाई बोला जी जी हम मथुरा जा रहे, हमारे साथ चल रही का, तो हमको मथुरा ले गए। माए गुरु जी थे हमारे भाई के,
हमने उनसे गुरु मंत्र दे दिया गुरु जी। फिर हमारे पति के साथ एक बार जब मथुरा घूमने गए, दूसरी बार हमने कहो कि माँ आश्रम में हमारा गुरु जी रेवे, चलो मिलिया, तो उनसे मिलने गए तो मालूम पड़ा वो गुरु जी निपट गए गुरु जी। फिर हमारी मौसी की छोरी बोली हमसे कि हम चित्रकूट जा रहे हैं, चलो हमारे साथ घूमने, हम चित्रकूट चले गए। फिर हमारी मौसी की छोरी के गुरु जी रहते थे रामघाट के पास, तो हमने मौसी की छोरी बोली इनसे ही मंत्र ले, तो हमने उनसे ले लिया। दूसरी बार हमारे यहाँ से तीरथ की बस जा रही थी तो सदूर, तो हम यहाँ से तीरथ करने गए तो हम चित्रकूट में हम उनसे मिलने गए तो मालूम पड़ा गुरु जी तक भी पट गए। गुरु जी हमारे कोई गुरु नहीं है, तुम मंत्र दे दो। हमने कहा जी जी कथा कर लेते, तेरा क्या जादू, तो मंत्र लेती जा गुरु जी निपटा दी जा, तू इतना गुरु बना।